So hey guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, my name is Monica and I'm a cabin crew from last 1 year. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मेरा नाम मोनिका है एंड मैं पिछले 1 साल से कैबिन क्रू हूँ, एयर होस्टेज हूँ, फ्लाइट अटेंडेंट हूँ, आप जो चाहे नाम से मुझे बुला सकते हैं। सो गाइज, ये जो चैनल है स्पेशली मैंने उन एम्बिशियस एंड पैशनेट लोगों के लिए क्रिएट किया है और जो एयर होस्टेस की तैयारी कर रहे हैं, जो एविएशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, जो दुनिया घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो उनके लिए ये चैनल मैंने बनाया है। सो कैबिन क्रू से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हो, आप बेझिझक होकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिए एंड मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपके कॉमेंट का जवाब जरूर लेकर आ जाऊंगी। सो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे रिसेंट वीडियोज के अपडेट आपको वक्त पर मिल जाए। सो चलिए आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो के थंबनेल टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक है कि अब रीसेंट वैकेंसीज कब आने वाली है एयरलाइंस की 2020 में, जो कि बहुत ज्यादा अनलकी रहा है हम सभी के लिए। सो होल्ड ऑन गाइस, आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट पूछा है, मिस्टर मोहित चौधरी जी ने, कि मैम आप प्लीज बताओ कि गो एयर में आप नेक्स्ट वैकेंसी कब आ रही है। सो उनका भी मतलब उनकी कॉमेंट से मुझे ये आइडिया आया कि यार इस पर वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये एक रीसेंट टॉपिक है और ये रिसेंटली लोग जानना चाह रहे हैं इस वक्त, क्योंकि अभी हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को अफेक्ट हुआ है तो वो एविएशन इंडस्ट्री है। ओके, सो अभी हम इस पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे कुछ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे कॉमेंट किया है और उनके कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ। सो अभी मेरे हाथ पूरे खाली हैं, ठीक है, कोई फ़ोन नहीं है मेरे हाथ में। सो आई रिमेंबर, मैंने आपके कॉमेंट्स याद रख लिए हैं। सो फर्स्ट कॉमेंट किया था मिस्टर अरमान साहिद जी ने, जिसने मुझसे पूछा है कि मैम आप क्या प्लीज मुझे बता सकते हो, उन्होंने मुझे 2 बार कमेंट किया था कि मैम प्लीज आप मुझे बता सकते हो कि गो एयर कहाँ कहाँ जाती है। सो प्लीज पहली बात क्या, मुझे प्लीज मत बोलो, मैं यहाँ बैठी इसलिए हूँ, आप मुझे जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना मैं हंस के आपको उसके आंसर्स करने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो और यही तो मेरा चैनल है ना, तभी तो मुझे टॉपिक मिलेगा और आप लोगों के सजेशंस मिलेंगे तो मैं उस पर वीडियोज लेके आऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, गो एयर जो है वो डोमेस्टिक एयरलाइन है। डोमेस्टिक का मतलब होता है इंडिया की एयरलाइन है, ये इंडिया से फ्लाई करती है। सो इंटरनेशनल भी ये गाइस जाती है, मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी करती हूँ, पर हम इसे इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं बोलेंगे, हम इसे इंटरनेशनल एयरलाइन नहीं बोलेंगे। इंटरनेशनल एयरलाइंस के नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ओमान एयर हो गया, ब्रिटिश एयरवेज हो गया, एतिहाद हो गया, कतर एयरवेज हो गया, ये सारी इंटरनेशनल्स है जिनका बेस इंटरनेशनल है, ठीक है। अब गो एयर जो एयरलाइंस है इसका जो बेस है वो हमारा इंडिया है, इंडिया से फ्लाई करती है, इंडिया के अंदर अंदर फ्लाई करती है, मोस्ट इसके डेस्टिनेशन है वो इंडिया के अंदर, इसलिए हम इसे डोमेस्टिक एयरलाइन कहते हैं। अब इंडिया में ये कितनी कहाँ कहाँ जाती है उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ कि इंडिया में ये टोटल 27 डोमेस्टिक डेस्टिनेशन लेती है, जिसमें से मैं कुछ के नाम आपको बता देती हूँ, बाकी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी आप देख लीजिएगा, जो कि है न्यू दिल्ली, नागपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर एंड कुन्नूर, और भी काफी सारी हैं, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट मुझे किया है मिस पलक केशवाला जी ने, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम आप डोमेस्टिक करते हो या इंटरनेशनल, तो शायद आपको मेरे इसी पहले वाले कमेंट में आपको आंसर मिल गया होगा कि यस मैं बोथ करती हूँ, बोथ फ्लाइट, मतलब आपने मुझे नेक्स्ट वापस रिप्लाई किया कि मैम मैं समझ नहीं पाई बोथ मीन्स क्या, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि मैं डोमेस्टिक एयरलाइन में काम करती हूँ जो कि है गो एयरलाइंस, एंड गो एयरलाइन डोमेस्टिक है बट ये इंटरनेशनल भी जाता है, मैं इंटरनेशनल भी फ्लाइट्स करती हूँ, जिसमें से मैंने कुछ किए हैं कि अबू धाबी, मैंने फुकेट किया है, मैंने बैंकॉक किया है, माले किया है। सो ये जो डेस्टिनेशन से मेरे डेली से डेस्टिनेशन से हर किसी का बेस अलग होता है, हर किसी के बेस से अलग अलग डेस्टिनेशन होते हैं, लेकिन टोटल यही है, जैसे 28 डेस्टिनेशन से कुछ लेता है एंड अभी कुछ 9-10 डेस्टिनेशन और आ गए हैं हमारे इंटरनेशनल्स की। सो आप प्लीज़ नेट पे जाके सर्च करिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहिए, उतना अच्छा होगा अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो गो एयर की और किसी भी एयरलाइन की। सो अगर आप तैयारी कर रहे हो इंटरव्यूज़ की और या फिर करोगे आगे चल के, सो प्लीज़ आपको उनके बेसिक्स पता होना चाहिए कि एयरलाइंस का फ्लीट साइज़ कितना है, उनका स्लोगन क्या है और एयरलाइन क्या आपसे मांग रही है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन ईजिली कर पाओगे, ठीक है। सो गाइज, मिस पलक जी ने मुझे एक कॉमेंट और किया है, मुझसे पूछा है कि मैम अभी मैं 11th में हूँ और आफ्टर 12th डायरेक्टली इंटरनेशनल एयरलाइन में जाना चाहती हूँ, सो मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि देखो अभी आप ना बिल्कुल बहुत छोटे हो, छोटे इन द सेंस कि अभी आपका 12th नहीं हुआ है एंड
छोटे यहाँ पे छोटा मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इंटरनेशनल क्या होता है ना एकदम बिल्कुल हमें डायरेक्टली बड़ी जंप नहीं मारनी है ठीक है। इंटरनेशनल एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, अगर आपको ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म में जाना है काम करना है सब बेशक जाओ, लेकिन पहले छोटे से शुरुआत करो, लाइक पहले छोटी सीढ़ी चढ़ो। आप पहले डोमेस्टिक एयरलाइन में ट्राई करो, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप जॉब करने लगोगे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने लगेगा, फिर आप इंटरनेशनल में ट्राई करो तो आपको यूँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा बिकॉज आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, आपका पर्सनालिटी अच्छा हो जाएगा, आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, आप कस्टमर से डील करना सीख जाओगे, पैसेंजर्स से को देख के घबराओगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस खुल जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें होती है ना तो ये छोटी प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट होती है, तब जाके फिर आप इंटरनेशनल की ट्राई करो बिकॉज इंटरनेशनल में लाइक डोमेस्टिक में इतनी सारी चीज़ें मांगते हैं तो इंटरनेशनल में आप सोचो कि कितना सारा चीज़ें देखते होंगे वो लोग, है ना। मैंने इंटरव्यूज काफ़ी दिए हैं इंटरनेशनल के, लाइक मैंने ओमान का दिया है, एयर एशिया का दिया है, मैंने कतर का दिया है, मैंने एतिहाद का इंटरव्यू दिया है, मैंने एयर एशिया का इंटरव्यू दिया है और मैंने एयर इंडिया का भी दिया है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए लाइफ में, लाइक मैंने 40-50 इंटरव्यूज़ दिए हैं गाइज, बट मैंने कभी हार नहीं मानी है और मैं हमेशा देती गई और जितनी बार इंटरव्यूज़ में आउट हुई हूँ मैंने अपने आप को लाइक मैं अपने आप में निखर के आई हूँ। लाइक अगर किसी ने मुझे वेट के लिए आउट कर दिया है तो मैंने अपने वेट पे काम किया है, लाइक अगर किसी ने मुझे पिंपल्स के लिए आउट किया है तो मैंने अपने पिंपल्स पे काम किया है, किसी ने अगर मुझे इंग्लिश के लिए आउट कर दिया तो मैंने अपनी ग्रामर पे काम किया है। सो ऐसे करके आपका ना धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आप ऐसे सीख पाओगे, ठीक है। सो आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। सो नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट है वो है मिस्टर मोहित चौधरी जी का अगेन, जिन्होंने मुझसे लाइक जिस पे मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ कि 2020 में वैकेंसी कब आने वाली है। सो यस गाइस, अब हम इस पे डिस्कस करेंगे। सो 2020 जो है सबसे अनलक्की साल था सभी के लिए, बहुत ही गंदा, लाइक हर तरफ से नेगेटिविटी, कोरोना कोरोना सब जगह ही था और इस कारण से जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्ट हुआ है तो वो एविएशन इंडस्ट्री को हुआ है गाइस, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट हुआ है। लाइक जितनी ऑलरेडी जो क्रू फ्लाई कर रहे हैं ना सब, लाइक आपको पता है लॉकडाउन लगा था तो फ्लाइट बंद, ट्रेन बंद, सब कुछ बंद, टोटल लॉकडाउन। तो अभी ऐसे में क्रू क्या काम करेगा, क्रू तो सब अपने अपने घर आ गया, मैं खुद मेरे घर पे हूँ बिकॉज दिल्ली से अभी डिपार्चर्स नहीं है तो इसीलिए मैं नहीं जा रही हूँ, बट मैं बहुत जल्द जाने वाली हूँ, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, आप देखना ज़रूर मेरा व्लॉग जब मैं वापस दिल्ली जाऊँगी। सो अभी हालात इतने ख़राब हो गए थे इन 3-4 महीनों में, लाइक अभी भी दिल्ली के हालात ठीक नहीं हुए हैं, केसेस हर रोज़ आ ही रहे हैं। सो इसीलिए अभी फ्लाइट स्टार्ट हुई हैं लेकिन वो बहुत प्रॉपरली तरीके से प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के साथ हुई है, ठीक है। लाइक अब बिल्कुल प्रॉपरली जो हैंड आपको सैनिटाइज करा रहे हैं, आप मास्क पहन के जा रहे हो, है ना। और अभी गोयर में एक और चीज़ अच्छी हुई है कि आप एक सीट अलग से बुक कर सकते हो अपने लिए फॉर लाइक अभी कोरोना है ना तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस रख के आपको थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योर रहे तो आप एक सीट अलग से बुक कर सकते हो उसी सेम PNR पे, ऐसा कुछ मैंने न्यूज़ में देखा था, ये अभी रिसेंट हुआ है, आप चेक कर सकते हो नेट पे। सो गाइज अभी ऐसी सिचुएशंस में लाइक नई वैकेंसीज आना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आई डोंट नो व्हाई कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मैम वैकेंसीज आ गई हैं आप प्लीज़ उस पर वीडियो बनाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा आपने कहाँ देखा है कि वैकेंसीज आ गई है, बिकॉज हम जो क्रू हैं जो ऑलरेडी फ्लाई कर रहा है, हम 1 साल से 2 साल से फ्लाई कर रहे हैं, हम अभी फ्लाई नहीं कर रहे हैं तो अभी रिसेंट कैसे नई क्रू को हायर करेंगे। सो आप ये चीज़ माइंड में रखो डियर कि लाइक अगर अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है, अभी ये बिल्कुल साल जो है बिल्कुल एंड होने पर आ गया है, सो इस एंड में तो बिल्कुल भी लाइक ये साल तो अब बिल्कुल नहीं आने वाली है। लाइक जो पहले इतनी चीज़ें ख़राब हो गई, सबसे पहले तो एयरलाइंस उसे ठीक करेगी, वो सारा चीज़ सेटअप फिर से जमाने में टाइम लगता है गाइस। इतने सारे क्रू आप देख रहे हो, इतने सारे क्रू सब अपने अपने घर बैठे थे, किसी का कोई सैलरी नहीं आ रहा है, कंपनी को कितनी सारी चीज़ें देखना है, तो जब वो सारी चीज़ें फिर से सेटअप हो जाएगी, फिर से सब लोग फ्लाई करने लगेंगे तो फिर वो नए चीज़ के लिए सोच पाएंगे कि हाँ अब नए क्रू अब हमें हायर करने चाहिए, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ख़राब है, अभी ऑलरेडी सब कुछ बंद चल रहा है, सब कुछ क्लोज है, मुश्किल से भी दिल्ली से 30-50 क्रूज फ्लाई कर रहे हैं जो ऑलरेडी दिल्ली में हैं, हम तो फिलहाल अभी अपने होम टाउन आ गए हैं। सो आप गाइज इस थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, अभी ऑलमोस्ट ही साल निकल ही गया है तो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आ सकती हैं, ऐसा लाइक मैं ऐसा अजम्पशन कर रही हूँ, मेरा दिल ऐसा कह रहा है बट ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं कह रही हूँ मैं, बट आ सकती है, ठीक है। शायद न्यू ईयर हम सभी के लिए अच्छा होगा एंड वैकेंसीज आएगी और फिर आप फटाफट से ट्राई करना, और जैसी आएगी लाइक मुझे पता चली गई तो मैं उस पर आपके लिए फटाफट से वीडियो लेकर आऊँगी और आप अप्लाई करना इंटरव्यू के लिए।
सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरे रीसेंट वीडियो की अपडेट आपको फटाफट से मिल जाए। एंड गाइस अगर ये वीडियो भी समझ नहीं आया हो और भी कुछ डाउट हो तो मुझे फटाफट आप कॉमेंट करो, डाउट हो कैसा भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछो, मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका सवाल का जवाब आपके नाम के साथ स्क्रीनशॉट के साथ नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।